नमस्ते साथियों, अक्सर भोजन करने के बाद हम इस पोजीशन में बैठते हैं और इस पोजीशन को कहते हैं वज्रासन। तो इस वज्रासन में क्या होता है, जब हम भोजन करने के बाद इस परिस्थिति में बैठते हैं तो हमारा यहाँ पे घुटनों पे बंद लग जाता है और उस बंद की वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो भी पूरे शरीर के ऑर्गन का है, वो ऊपर की तरफ ज़्यादा आता है। तो ऊपर हमारा भोजन है या अमाशय में पेट में, तो इस वजह से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन चलेगा यहाँ इस पूरे ऊपर वाले शरीर में, तो वो भोजन के पाचन में बहुत ही लाभदायक होता है। इसी वजह से खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठा जाता है। अक्सर शाम को कुछ लोग घूमने भी निकलते हैं, तो यदि इस वज्रासन करने के बाद 10 मिनट ये कर लें, उसके बाद अगर घुमा फिरा जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि एट ए टाइम खाना खाते ही यदि हम घूमने जाते हैं तो भोजन में जो एंजाइम आने होते हैं वो एट ए टाइम नहीं आते। यदि हम थोड़ी देर बैठ के और उसके बाद घूमने जाएं तो बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है। तो उसके बाद आजकल सर्दी है या किसी परिस्थिति में बाहर नहीं जा सकते, तो अपने घर पे रह कर भी अंदर भ्रमण योग कर सकते हैं। तो देखिए एक बार भ्रमण योग किस प्रकार किया जाता है। चलो बेटा करो, हाथों को अंगूठे अंदर, हाथों को बीच कर और सिर्फ पंजों पंजों पर दबाव देना होता है। ये शाबाश, बहुत अच्छा, मुस्कुराते रहो। ये भ्रमण योग इस तरह 15-20 मिनट अगर हम करते रहे तो वही वॉकिंग का सारा जो लेखा जोखा है इसमें आ जाएगा। बाहर घूमने की ज्यादा जरूरत नहीं है सर्दी में, तो अपने घर पे अपने बेडरूम में कमरे में भी आराम से ये कर सकते हैं। ये क्रिया बहुत ही लाभदायक है भ्रमण योग। आज इतना ही, धन्यवाद।